हेलो हाय नमस्ते, मैं हीना एंड वेलकम टू माय चैनल अ लाइफ विद हीना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 17 सितंबर और आज है साजा, शेर साजा। तो जिनको पता है उनको हैप्पी साजा और जिनको नहीं पता है उनको भी हैप्पी साजा। और मैं बता दूं कि साजा मतलब हुआ नया महीना, जो हिंदी मंथ का जो नया महीना स्टार्ट होता है तो उस समय ये मनाया जाता है साजा। और ज़्यादा जानकारी मुझे भी नहीं पता इसके बारे में। तो आप सभी को हैप्पी साजा। तो अभी हम जा रहे हैं इवनिंग वॉक के लिए। तो टाइम हुआ है 5:30 और मैंने कहा चलो थोड़ा वॉक किया जाए क्योंकि आज बहुत हैवी खाना खाया है। तो हम जा रहे हैं और ये दो भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो हम सब जा रहे हैं और यहाँ पे शान भी। तो हम जा रहे हैं वॉक के लिए और अभी हम जा रहे हैं कोटली की तरफ, जो ये रोड जो मैंने बताया था आपको कि धर्मपुर कोटली होके जो रोड जाता है, तो हम यहाँ पे जा रहे हैं। और ये है यहाँ का एरिया। जब हम मॉर्निंग वॉक करने गए थे तो हम उस वाले रोड पे गए थे और यहाँ नीचे भी गांव है, ये देखिए। और अब यहाँ पे फसलों की कटाई भी शुरू हो जाएगी, जैसे मक्की और भी जो होंगे, और जैसे घास पक जाते हैं अब इसके बाद, और मक्की ये सब की कटाई होगी। और ये देखिए कितना सुंदर है यहाँ से। और मौसम तो आज ऐसे ही था, बादलों वाला। देखिए ये है वो मंडी वाला रोड। और जो हम गए थे उस दिन कीर्तन करने जन्माष्टमी के दिन, वो गए थे हम इस वाले घर पे, यहाँ पे। तो इस टाइप का यहाँ का व्यू है और ये इन दोनों की शरारत। तो आज के दिन जो है छोटे बड़ों को झूप देते हैं। और यहाँ पे मतलब कुल्लू साइड रिवाज है कि झूप देते हैं। झूप मतलब जो गेंदे का फूल का जो पत्ता रहता है वो देते हैं। और यहाँ पे मंडी में दिया जाता है ध्रुबा। ध्रुबा मतलब जो आपको पता है गणपति जी को बहुत ज़्यादा पसंद जो है ध्रुबा, जो घास रहती है वो दिया जाता है। और फिर बड़ों से ब्लेसिंग ली जाती है। तो आज मैं भी गई थी अपने जेठ जेठानी के घर पे, शानवी के घर पे, और वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे, थोड़ी बातें की और वहाँ से लेके आई मैं सब्जियाँ, करेला और खीरा। उन्होंने मुझे कहा था उस समय कि तुम ब्लॉग बना दो, लेकिन मैंने उस समय नहीं बनाया क्योंकि जब तक अपना मन ना हो ना तब तक नहीं बनाना चाहिए, और तब मैंने नहीं बनाया। और आप लोग को पता भी है कि मेरे थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने नहीं कैमरा उठाया। तो अभी मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए और आप सबको बधाई दी जाए। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग करना। तो आज हम इस रोड पे आए हैं, दूसरे रोड पे। जो कोटली वाला रोड है वो है ऊपर और ये दूसरा रोड है जो कि आगे कहीं गाँव के लिए है। तो इस रोड में पहले हम बहुत ज़्यादा आते थे जिस समय लॉकडाउन लगे थे, तो हर शाम को हम यहाँ पे आते ही आते थे। और कोको उस समय बहुत छोटा था। हाँ कोको है ना, कितना छोटा था? 1.5 साल का, शायद 1 महीने का था तब आते थे हम यहाँ पे। हाँ 1 मंथ का था वो, छोटा सा था बिल्कुल। तो तब हम इस रोड पे आते थे। और एक बार तो कोको काफ़ी छोटा था, मतलब 1 मंथ का ही, 1.5 मंथ का था। तो हम यहाँ से जा रहे थे तो साथ में यहाँ पे घोड़े भी जा रहे थे। तो कोको को ना घोड़ों ने दवा ही दिया था। उस दिन मैंने आँखें बंद कर दी थी, मैंने कहा आज तो कोको पक्का मर गया। और कुणाल भी रोने लगा था है ना। और मतलब लॉकडाउन की यादें यहाँ से, हम हर रोज़ यहाँ से आते थे, मैं, शानवी, कुणाल, कुणाल के पापा, कोको, हम लोग आते ही आते थे रोज़ यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ, तो ये रोड जाता है आगे गांव में, जो कि दो क्लोथर और आगे और जो नीचे गांव दिख रहा है आपको ये, तो यहाँ पे भी यही रोड जाता है आगे से मोड़कर। और ये रोड काफ़ी सुंदर है,
तो गाड़ियाँ पहले कम चलती थी यहाँ से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि अब हर घर में 2 या 3 गाड़ियाँ हो ही गई है सबके पास। ऐसा कोई नहीं है जिसके पास गाड़ियाँ ना हो, तो काफ़ी गाड़ियाँ अब यहाँ से चलती हैं, और बसेस भी यहाँ से चलती हैं ना। हाँ, बसेस भी यहाँ से चलती हैं। और ये हमारे 2 मंकीज, आगे पंचायत भी एक। हाँ, तो वो तो 2 का पंचायत है ना जी। तो फिर और अभी जो बरसात हुई थी पीछे वहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे भी लैंड स्लाइड हुआ। और मैं आपको घर दिखाऊँ तो इनका आंगन, हाँ ये जो घर है इनका आंगन पूरा नीचे आ गया था, तो अब तो उन्होंने शायद से डंगा दे दिया अपना, जहाँ ये येलो सा दिख रहा है, तो ये पूरा नीचे आ गया था यहाँ पे। ये देखिए, ये पीसेस देखिए, बरामदे के इनके, कि पूरा नीचे आ गया था यहाँ से। तो इस बार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। और कभी मैं मनाली जाऊँगी अपने मायके, तो मैं आपको वहाँ का रास्ता भी दिखाऊँगी कि कैसा कैसा वहाँ पे नुकसान हुआ है। तो फ़िलहाल तो हम अभी मंडी में हैं, गांव में हैं, तो यहीं के मज़े लेते हैं। थोड़ी सी आगे और जाएंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे, वापस चलते हैं, आगे नहीं जाना। कैंची तक चले पड़ते हैं, कैंची बहुत दूर है बेटू। मम्मा ये तो आगे नहीं जाना, प्लीज नो। अरे मम्मा प्लीज। और यहाँ देखिए ऊपर मंदिर भी है, ये देखिए ऊपर इस जगह पे मंदिर भी है यहाँ पे माता का। और यहाँ पे होगा जाग, और देखते अगर हम ठीक हुए तो जाएंगे, तो आपको भी दिखा दूंगी मैं। तो ऊपर है माता का मंदिर, और उससे इस तरफ है हमारा पुराना गांव, मतलब जहाँ पे हमारे दादा रहते थे, और अभी भी मतलब चाचू रहते हैं वहाँ पे, पवन के चाचू वो लोग रहते हैं वहाँ पे। तो कभी वहाँ पे जाना हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये रहा हमारा गांव, और ये है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और वहाँ पे है हमारा घर, और ये है कुणाल का स्कूल, और वो है प्राइमरी स्कूल। तो दूर से अपने गांव को देखने का जो मज़ा है ना, सच में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ देखिए कितनी खतरनाक मकड़ी है, और सुंदर भी कितनी है ना। अभी फोकस नहीं कर पा रहा है, तो इधर सुंदर है। जब आ रही थी इस साइड को तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि काफ़ी उतराई थी, और जब वापस जा रहे हैं तो चढ़ाई है, और हम थक गए हैं। अब पहले से मोटे भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा खा खा कर। और यहाँ से देखिए कितना ख़तरनाक है, देखिए जब हम कैमरे में कैप्चर करते हैं तो इतना ख़तरनाक नहीं लगता है, अगर हम नॉर्मल आँखों से देखें, सच में मतलब चक्कर आ जाए नीचे देखते हुए। मैं रह गई हूँ पीछे, ये दोनों निकल गए हैं आगे, तो फटाफट से चलते हैं इनके पास। और ये चली बस, अभी हम हैं घर से काफ़ी दूर और बारिश लग गई है, तो चलते हैं फटाफट घर को। और कैसा लगा आपको ये व्यू ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ था, और ये भी तैयार हो चुका है। पहले यहाँ से बस नहीं चलती थी इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ तक रोड पूरा चला गया था,
तो अब बसेस चल रही हैं क्योंकि ये बन चुका है। पहले यहाँ पे इस एरिया तक था, तो सरकारी जो बसेस रहती है वो यहाँ से क्रॉस नहीं होती थी, लेकिन अब हो जाती है। तो चलते हैं घर को। और ये देखिए बारिश लग पड़ी है, और यहाँ पे है हमारा गांव का मंदिर। तो कभी मैं जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ पे लगा है बोर्ड। हाँ जी, तो रात के हो रहे हैं 8:30 और हमारा डिनर हो चुका है। और डिनर के बाद बस एक ही प्रॉब्लम रहती है, जो है मेरे दांत का दर्द। तो उसके लिए लूँगी मैं अब पेन किलर, 10-15 मिनट के बाद पेन किलर ले लूँगी, उसके बाद करेंगे रेस्ट। और चलिए इस ब्लॉग की भी यहीं पे एंडिंग करते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।